Audio Jungle. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता और आप देख रहे हैं तेज निगाहें न्यूज। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यमुना विहार बार्ड के एक पार्क में और यहां पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस बार एमसीडी में वो किसको लाना चाहते हैं, उन्होंने 5 साल में क्या काम देखे और इस बार उनके मन में क्या चल रहा है, तो आइए देखते हैं। क्या नाम है दादा आपका? योगेंद्र पाल। दादाजी, पूछना चाहूंगा इस बार ईडीएमसी में आप किसको लाना चाहेंगे? हम बीजेपी को लाएंगे। लेकिन आपने इन 5 सालों में क्या काम देखा अपने वार्ड में, क्योंकि यमुना विहार में बीजेपी सरकार थी वार्ड में, तो आपने इन 5 सालों में क्या काम देखा, क्यों लाएंगे बीजेपी को? काम अच्छा किया था पहले, क्या क्या काम किए? सभी काम किए। क्या कुछ कहेंगे इस बार किसको लाने वाले हैं? जब से मोदी जी आए ना कोई परेशानी रही भाई साहब, कभी नोटबंदी, कभी लाइन बंदी और कभी कोरोना और कभी फरोना। तो ये तो निगम का चुनाव, निगम में किसको ला रहा है? निगम मतलब एमसीडी में, एमसीडी में तो केजरीवाल ही आना चाहिए भाई। हाँ जी, किन मुद्दों को लेके इस बार वोट करने वाले हैं? हम तो ये है कि केजरीवाल सबके लिए सोच रहा है, लेडीज के लिए वो सोच रहा है, बिजली पानी वो दे रहा है, और क्या लोगे बताओ उससे। तो आपके, आप चाहते कि हमारे वार्ड में आप सरकार का पार्षद बने? हाँ जी, आपकी बना चाहता हूँ मैं। इसको तो कोई भी काम नहीं हो रहा है। क्या कॉर्पोरेशन कुछ भी नहीं कर रही है? एक सफाई का हुआ है वो भी ठीक ढंग से नहीं हो रही है, पेंशन नहीं दे रही है लोगों की, बस यही है। इस बार किन किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं? बस यही है कि भाई जो नागरिक सुविधाएं हैं वो दे नहीं रही है ये। एक सफाई का काम है निगम में, वो कर नहीं रही है सफाई ठीक से, बस और क्या है। तो फिर आम आदमी पार्टी? हाँ, आम आदमी, आम आदमी ठीक है, वो तो दिल्ली के लिए बहुत कुछ कर रहा है। आप क्या कुछ बोलेंगे सर? आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी, तो आप आम आदमी पार्टी को चुन रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर चुन रहे हैं आप? इन मुद्दों को चुन रहे हैं कि थोड़ा बहुत काम जो कर रहा है ये आप वाले करें, कांग्रेस तो कुछ करती नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है ये, बस बाकी जो दिल्ली का जो काम है आपको देंगे। तो एमसीडी में आप इस बार आम आदमी पार्टी को लाना चाहते हैं? हाँ जी। और लोग अपने में मस्त हैं और इस मस्ती में हम जानेंगे कि इस बार एमसीडी में कौन मस्ती करने वाला है, कौन आने वाला है। पार्टी आ रही है इस बार। आप पार्टी किन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार? यह और पार्टी कुछ करती नहीं, साफ सफाई कुछ होता ही नहीं। तो इन 5 सालों में आपने बीजेपी की सरकार अपने वार्ड में देखी है, अब आप आम आदमी पार्टी जाते हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, इसलिए यहाँ देंगे। आम आदमी पार्टी को आप किन मुद्दों पर लाना चाहते हैं, क्या मुद्दे? यही सबको सही रहे, एजुकेशन, महिलाओं की सुरक्षा मेन मुद्दा है। आम आदमी वो तो है ही, आम आदमी पार्टी में नगर निगम का काम है ना, नगर निगम एमसीडी में गली, जो गली अभी अधूरी गली है, कई सालों से 5 साल से बनी नहीं है, फंड जो है पूरा का पूरा वो अंदर डाल चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो है आधी से ज्यादा गलियां बनी नहीं है, सर्वे नहीं हुआ, उनके लेवल जहाँ बनी है उनके लेवल ठीक नहीं है, पानी रुकता है उनमें, महामारी मच्छर, और नालियां पक्की नहीं बनी हुई और अधूरी, अभी कई गलियां खाली है, अभी बनी नहीं है। क्या नाम है आपका? विष्णुदत्त शर्मा। तो आप बीजेपी से नाराज हैं फिर? पार्टी जो काम नहीं करेगी मेरा, उस पार्टी से नाराजगी है, नाराजगी है, और जो काम करेगी उसके लिए अच्छा है। अच्छा, तो गलियां अभी आपकी बनी नहीं है? कोई गली नहीं बनी है 5 साल से, फंड वो अंदर डाल चुके हैं, कोई सर्वे नहीं हुआ। क्या क्या कह रहे हो अंकल? सर, सर, ये बीजेपी के लोग हैं या दूसरे को ऐसे ही? तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हो? गली नहीं बनी हमारे यहाँ, गलियाँ नहीं बनी, किस मुद्दे पे बात हो रही है? एमसीडी में किन मुद्दों पे वोट करने वाले? एमसीडी में भैया मेरे हिसाब से तो इसको बीजेपी को हटा के आम आदमी पार्टी को लाना, वही तो कह रहे हैं। मतलब हमारी निगाह में ये बीजेपी वाले कभी कोई काम नहीं करते, सिवाय बातें करते हैं, चाहे वो मोदी हो और चाहे वो शाह हो, चाहे कोई हो, सिर्फ बातें करते हैं, कोई काम नहीं करते। आप किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं इस बार? इस बार तो भैया जैसे केजरीवाल बहुत अच्छा जेंटलमैन आदमी, मतलब फेल्ड ऑन एवरी पार्ट ऑफ द सिटीजनशिप कह लो आप, या कैसे भी कह लो, मतलब ये तो बिल्कुल ही बेकार पार्टी है। कुछ कह रहे थे निगम के जो वार्ड के अंदर, एवरी वार्ड के अंदर कोई काम नहीं हो रहा, दिल्ली की साफ सफाइयों की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा खराब है, लॉकडाउन के जैसे के अंदर साफ सफाई, पिकअप वैन कूड़ा नहीं उठाने आती, और सफाई कर्मचारी प्रॉपर गलियों में झाड़ू नहीं लगाते, और गलियों का अनबैलेंस तरीके से। ये पार्क जो है ये तो यमुना विहार वार्ड के अंतर्गत ही आता है, साफ सफाई का ये तो बढ़िया भजन संध्या चल रही है, साफ सफाई का ये व्यक्तिगत तौर पर लोग करते हैं। क्या ये तो लोगों ने करा, पब्लिक ने? हाँ हाँ, खुद सेल्फ अपने हाथ से झाड़ू मारते हैं,
बाकी और कोई अदर कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई नहीं। पार्क की जो सफाई है, जो व्यवस्था है, आप आपके द्वारा, यहाँ एनजीओ है जो सीनियर सिटीजन है। ताऊ जी क्या बोल रहे हैं, ताऊ क्या बोल रहे हैं? ये यहीं के जो आदमी है, जो वर्कर है ना, ये यही सफाई करते हैं और यही मतलब यहाँ से पूरा काम करते हैं। तो इस बार आप किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं एमसीडी में? एमसीडी में, हाँ एमसीडी में आम आदमी पार्टी को भी वोट करेंगे जी हम तो, और किसी को नहीं करेंगे भैया। हम बनाएंगे निगम पार्षद इस बार, किस पार्टी के नेता को है, कौन कौन किसका है बेटा? आम आदमी पार्टी से खड़े होंगे, कांग्रेस से, बीजेपी से, अब भाई से भाई ये तो जो है उनके नाम के ऊपर हो सकता है वोटिंग। तो आप इस बार कौन कैंडिडेट को देख के वोट करेंगे? कैंडिडेट को देख के। तो विकास, विकास देखा इन 5 सालों में आपने, क्या क्या विकास देखा है? विकास तो हमें तो कुछ विकास लगा नहीं है, हमें तो कुछ विकास लगा नहीं है, बस ऐसे ही है। ताऊ एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, तो इस बार किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप अपने पार्टी के लिए? मुद्दे तो पहले नंबर तो सफाई का है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है सफाई का है, और बाकी तो बीजेपी को वोट करेंगे। तो इन 5 सालों में आपके वार्ड में बीजेपी सरकार थी, तो आपने इन 5 सालों में क्या काम देखे हैं? खुश हैं आप बीजेपी से? बीजेपी से तो हमेशा खुश रहेंगे, आप खुश हैं तो क्या क्या काम देखे बताएंगे दर्शकों को? काम तो कोई खास ही देखा, सही बात तो ये है। फिर क्यों बीजेपी को वोट? बीजेपी के समर्थन है, बीजेपी को वोट देंगे और सफाई सफाई बढ़िया हो रही है, पर पार्टी को देख के वोट? हाँ वो पार्टी को करते हैं, पार्टी को करते आए हैं, पार्टी को करेंगे, वैसे सफाई बढ़िया हो रही है, सफाई बढ़िया हो रही है। काम हमें तो बीजेपी को ठप्पा लगाना ही लगाना। आपका जो वोट है वो बीजेपी पार्टी के नाम पर है? बीजेपी के नाम पर। आपका भी दादा जी? सबके सबके, यस बीजेपी। तो आपने देखा चुनावी गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा है, किसके पक्ष में फैसला होगा, अप्रैल बहुत नज़दीक है, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा भी भरा हुआ है और लोगों के अंदर मुद्दे भी बैठे हुए हैं कि इस बार उनको किन मुद्दों पे वोट करना है। कुछ लोग कह रहे हैं मैं पार्टी को वोट करूंगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं मैं कैंडिडेट देख के वोट करूंगा। ये सवाल बने हुए हैं, सर्वे दिखाते रहेंगे, देखते रहिए तेज़ निगाह न्यूज़ पर। कैमरामैन प्रिंस के साथ ऋतिक सविता।